आगरा के बहुचर्चित पनवारी कांड को लेकर वर्तमान में भाजपा से विधायक चौधरी बाबूलाल एक दर्जन लोगों के विरुद्ध हुई कार्रवाई में न्यायालय द्वारा निर्देश मानते हुए बरी कर दिया गया था, जिसको लेकर जाटव महापंचायत ने अपने विरुद्ध दर्ज कराया गया। महापंचायत के लोगों का कहना है कि इतने बड़े केस में पुलिस द्वारा बनाई गई केस डायरी का गायब हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जाटव महापंचायत द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसके संबंध में जाटव महापंचायत के लोगों ने एक प्रेस वार्ता जानकारी दी। जी, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, जाटव महापंचायत आगरा का मैं अध्यक्ष हूँ। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पनवारी गांव जो कि काफ़ी मशहूर है, वहाँ एक घटना हुई। एक लड़की की बारात आनी थी, श्री चौकीलाल जी की पुत्री थी। स्वर्ण जाति के लोग उस बारात को नहीं चढ़ना देना चाह रहे थे। 21 तारीख की शादी थी। जब इसकी भनक शासन प्रशासन को पड़ी कि बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है और वहाँ दंगा होने की पूरी आशंका है, तो आगरा के DM, SSP और पूरा शासन प्रशासन वहाँ एकजुट हुआ और 22 जून 1990 को बारात वहाँ चढ़ानी थी। लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से पहले तैयारी थी विवाद होने की। वहाँ काफ़ी गोलियाँ चली, लोग हताहत हुए, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग आज भी लापता हैं। 11 लोगों को शासन प्रशासन की ओर से 1-1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया था, जिसमें थाना सिकंदरा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महोदय ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें शासन प्रशासन के लोगों की गवाही भी हुई, जिसमें जाटव समाज के भी 3 लोग गवाह थे, जिसमें श्री रामजीलाल सुमन जी, श्री करतार सिंह भारती जी एडवोकेट जी और सुभाष बिलादरी जी, ये लोग गवाह थे। जी मत लगाओ, इनके नाम क्या आ गए? ये लोग पूरी तरीके से हॉस्टल हो गए। पनवारी कांड के पक्ष में इन लोगों ने बयान दिया, जिसके कारण ये लोग बरी हो गए। 8 के 8 लोग जो उसमें मुलजिम थे, कुछ लोग इसमें से मर गए। करीब 10 साल पूर्व जो केस डायरी होती है, मुख्य जान होती है केस की, आप अधिवक्ता हैं, मेरे से ज़्यादा विद्वान है इस मामले में, तो वो केस डायरी गायब हो गई। जब केस डायरी गायब हो गई तो उसमें बयान कैसे हो गए, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन एक साजिश के तहत मिली भगत के कारण और उसमें बयान भी करा दिए गए। बयान होने के उपरांत वो लोग 8 के 8 लोग बरी हो गए। फिर हम लोगों को देखा गया भाई क्या है इसमें, पूरा छाना, पूरी फाइल को देखा तो उसमें केस डायरी नहीं है। फिर हम लोगों ने जाटव महापंचायत के माध्यम से, पूरे आगरा के जाटव समाज के माध्यम से हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में, न्यायालय में हमने अपील दायर की, जो कि हमारी जो है अपील मंजूर हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपको यहाँ बुलाया गया है, जिसमें भाई भरत सिंह जी बैठे हुए हैं, बिटिया के भाई हैं। इनका उस समय जो हर्ष हुआ था, जो परेशानियाँ हुई थी, आनंद फानंद में ही इनको एक मकान भी मुहैया कराया गया था, जो सेक्टर 4 में इस समय रहते हैं। जैसे ही ये रिजल्ट आ गया, कर दो हैं, पनवारी कांड की घटना मेरी बहन की शादी में ही हुई थी, जो दलितों की बारात सवर्णों के द्वारा रोकी गई और नहीं चढ़ने दी गई, तो 22 जून 1990 में प्रशासन के साए में बारात चढ़ाई गई। और उसके बाद सवर्णों के आतंक और भय के कारण गांव पनवारी से 86 जाटव अनुसूचित परिवार ग्राम प्रधान हो गए, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है। 86 परिवारों की संस्थिति उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल की संयुक्त समिति होती है, उन्होंने संस्थिति की थी कि इन परिवारों को शहर में सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया जाए। जिस तरह से जो गवाह थे इसमें मुकर गए और उनको बरी कर दिया गया, अब फिर अपील डाली गई है जी, तो आपको कितना आशा है, कितनी अपेक्षा है कि आपको न्याय मिलेगा आपकी बहन की शादी में? हम तो न्यायालय से, उच्च न्यायालय से यही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगी, जैसे कि हमारी अपील को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जिन लोगों ने हाथ खींच लिए उन लोगों ने क्या कहना चाहेंगे जी? जिन लोगों ने हाथ खींच लिए केस से, जो 3 लोगों का नाम आ रहा है, सुभाष बिलावली, करतार सिंह भारती जी और रामजीलाल सुमन जी, ऐसे लोग क्या है समाज के लिए? वो समाज विरोधी हैं, बस इतना ही कहूँगा मैं। उन्होंने न्याय हित में कार्य नहीं किया, नहीं समाज हित में कार्य किया। जो अदालत MP MLA के मामले सुन रही है, उसने जो जजमेंट दिया है
उस जजमेंट की हम आलोचना करते हैं और आलोचना करने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हम किसी भी जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। ये आलोचना इस उद्देश्य से की जा रही है कि 10 साल पहले जब इस मुकदमे की केस डायरी गायब हो गई थी तो गवाही नहीं होनी चाहिए थी। ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला केस है जिसमें बिना केस डायरी के गवाही हुई है। मुजरिमों को बरी कर दिया गया और बरी करने का श्रेय हमारे समाज के 3 लोगों को जाता है जिनसे समाज दूरी बनाए, अपने पास उन लोगों को ना बिठाए और उन्होंने समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जाटम महापंचायत वो रामजीला सुमन हैं, करतार सिंह भारती हैं और सुभाष बिलावली हैं। ये जिम्मेदारी अपील दाखिल करने की, चूँकि मेरी उस समय तबीयत खराब थी, तो जाटम महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और राजकुमार सिंघाल और अन्य लोगों को दी थी। ये बैठे हमारे वाल्मीकि समाज के, ये भी साथ में थे, सुरेंद्र कैन ये साथ में, भरत सिंह थे। तो भरत सिंह जी की तरफ से अपील दाखिल की गई और पहली ही तारीख पर डिवीज़न बेंच 2 जजों की पीठ ने इस अपील को एडमिट कर लिया और अपील को एडमिट करने के बाद जवाब मांग लिया है सरकार से और राज्य सरकार से जवाब मांगाया है उसमें कि वे अपना जवाब दाखिल करें और सरकारी वकील भी अपना जवाब दाखिल करें। वकील साहब कितनी दम रह गई इस केस में, क्योंकि बहुत लंबा केस है, अब तक किसी को सजा नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है कि आप किसी को सजा दिलवा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों के मुताबिक अगर एक भी गवाह विश्वसनीय होता है तो वो सजा के लिए पर्याप्त है, जबकि इसमें तो दर्जनों गवाह विश्वसनीय हैं। तत्कालीन DM अमल कुमार वर्मा जी ने अच्छी गवाही दी है, तत्कालीन SSP करमबीर सिंह उन्होंने अच्छी गवाही दी है। इन दोनों की गवाही पे ही सजा हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं की। तो हमारा मानना ये है कि सजा ना दे करके छोड़ना, ये इससे क्षुब्ध होकर के जो अपील दाखिल की है और हाई कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है कि वहाँ हमें न्याय मिलेगा। कितने विक्टिम रह गए इस केस में? इस केस में विक्टिम तो अभी हैं और मैं समझता हूँ कि विक्टिम पंचायत का सचिव हूँ और हमें उच्च न्यायालय से पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगा और जितने भी आगरा के पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग पीड़ित हुए थे, एक ही परिवार पीड़ित नहीं हुआ था, सारे लोग पीड़ित हुए थे, हमें अगर न्याय मिलता है और हमें उम्मीद भी है न्याय मिलेगा तो पीड़ित परिवारों के सारे की एक हर्ष का माहौल भी होगा और उन्हें न्याय मिलेगा।